जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फन विद बिंदु पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबका फेवरेट हक्का नूडल्स। चलिए बनाते हैं। तो चलिए हम फटाफट इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? एक पैकेट हक्का नूडल का, कैरेट, एक कैप्सिकम, कैबेज, ऑनियंस, गार्लिक, जिंजर, चिली सॉल्ट, चिली, शेजवान चटनी, विनेगर, सॉस, ब्लैक पेपर और ऑयल। सब हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब इसके बाद हम लेंगे एक टोप और उसके ऊपर उबालेंगे पानी। अब हम पानी में नमक डालेंगे। अब हम जो नूडल्स है ना वो डाल देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकने देंगे। हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा हमें कच्चा ही रखना है। बॉल में ठंडा पानी लेंगे और उसके अंदर जो हमने कुक किया है नूडल्स वो डाल देंगे। इससे क्या होता है कि नूडल्स हमारे ओवर कुक नहीं होंगे, ये देखिए, और चिपकेंगे भी नहीं। इसे डाल देंगे हम पूरा अच्छे से। अब ये देखिए हमारे नूडल्स कितने अच्छे निकल के आ रहे हैं ना। देखिए मैं आपको एक ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ओवर कुक भी नहीं हुआ है नूडल्स, है ना। अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। ओके, अब देखो हमने पानी हमने ड्रेन कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से ये चिपकेगा नहीं और अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे नूडल्स सूख रहे हैं तब तक हम अपने सारी वेजेस को कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारी वेजेस को कट कर लिया। अब हम प्रिपरेशन की तरफ बढ़े। अब हम एक पैन ले लेंगे, आप कोई भी कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। ऑयल डालेंगे फ्रेंड्स 2 टेबलस्पून के लगभग। हमारा ऑयल जब तक गर्म होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट, चिली, थोड़ा सा जो हमारा जिंजर और गार्लिक का जो रॉपन है ना वो चला जाए, इसमें अपने अनियंस डाल देंगे, थोड़ा सा स्टीर कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। जो हमारी वेजेस थी वो सारा हम इसमें डाल देंगे। इसको हमें 2 मिनट तक हाई फ्लेम करके स्टीर करना है। और हाँ, हम इसमें सॉल्ट अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो वो पानी छोड़ देंगे हमारी वेजेस। और चाउमीन में फ्रेंड्स जो वेजेस का क्रंचीपन ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए नमक हम बाद में डालेंगे। जब हमें थोड़ा सा स्लाइटली कुक लगे वेजिटेबल तब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये देखिए अब हमारे वेजिस कुछ हल्का सा कुक हुआ है, इसके कलर में भी कुछ डिफरेंस लग रहा है। अब हम इस स्टेज पर इसमें सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसमें वेनेगर डालेंगे, बहुत खट्टा ना हो। वेनेगर ज़्यादा डाल देंगे तो खट्टा हो जाएगा। और अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर
आपके पास ये नहीं है रेड चिली सॉस आप डाल सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च से वो तीखापन भी नहीं होता क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली हुई है। देखिए फ्रेंड्स कलर कितना अच्छा आया है। अब हमारी वेजेस कुक हो गई हैं, ज़्यादा कुक नहीं। अब हम इस स्टेज पर अपने जो नूडल्स हमने पकाए थे वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हम मीडियम टू हाई ही रखेंगे। अब इसके अंदर हम काली मिर्च डालेंगे, उससे इसका चाउमीन का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेजवान चटनी, मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना नेसेसरी नहीं है, बट इससे इसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है और बढ़ जाता है टेस्ट। नमक थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही नूडल्स में नमक डाले हैं। अब हम स्पून और फोर्क के मदद से